गुजरात में विधानसभा चुनाव से लगभग 15 महीने पहले शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विजय रूपाणी पिछले 6 महीनों में हटाए जाने वाले बीजेपी के चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे में गुजरात से पहले उत्तराखंड और फिर कर्नाटक में भी बीजेपी पिछले 6 महीनों में 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। विजय रूपाणी अब चौथे मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले कब कब बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को बदला है और उनकी जगह किन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी ने मार्च में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह लोकसभा सदस्य तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया था। जुलाई में मुख्यमंत्री बनाए जाने के 4 महीने बाद ही तीरथ सिंह रावत को भी हटा दिया गया और 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी गयी। उत्तराखंड के बाद बीजेपी ने कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बीएस गोगोई को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। पार्टी के एक नेता ने दावा किया कि राज्य में नया नेतृत्व लाने के लिए गुजरात और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को भी बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उनके बेटे के खिलाफ भारी नाराजगी थी। इसी तरह गुजरात इकाई में पार्टी के एक वर्ग द्वारा रूपाणी को हटाए जाने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके नेतृत्व में अगले साल के राज्य चुनाव जीतना मुश्किल होगा। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक नया चेहरा लाने के लिए बदल किया गया था, लेकिन तीरथ सिंह रावत को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 6 महीने के भीतर ही राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होने में विफलता की वजह से हटा दिया गया था। गुजरात के एक पार्टी नेता ने कहा कि पार्टी में एक वर्ग से मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा और मांग की गई थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से खबर आएगी और हमें नहीं पता था कि इस्तीफा सौंपने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। गुजरात में मुख्यमंत्री के इस्तीफे से पहले कोई खास गतिविधि देखने को नहीं मिली और अचानक ही उनका इस्तीफा देखने के लिए मिला। वहीं दूसरी ओर मार्च में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह लेने से पहले बीजेपी ने राज्य में 2 सदस्यों को भेजा था, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी शामिल थे, ताकि वो प्रतिक्रिया एकत्रित कर सके। और इसी तरह तीरथ सिंह रावत को बदलने से पहले भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय राजधानी बुलाया था और उन्हें संवैधानिक और कानूनी संकट के बारे में समझाया था। कर्नाटक में महीनों से सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। येदियुरप्पा ने जुलाई में अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो ऐसे में बीजेपी ने 6 महीने के अंदर 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों को बदल दिया है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये बड़ा बदलाव जो है वो लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में 6 महीने 3 राज्य बीजेपी ने जहां जहां मुख्यमंत्री बदले हैं उनमें उत्तराखंड शामिल है, कर्नाटक शामिल है और अब गुजरात भी शामिल हो गया है। हालांकि देखिए 3 बजे गुजरात में विधायक दल की बैठक है और उसके बाद साफ हो जाएगा कि नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह जो है तीरथ सिंह रावत को दी गई थी और उसके बाद तीरथ सिंह रावत को भी कुछ महीने बाद ही हटाकर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अगर बात कर्नाटक की कर ली जाए तो कर्नाटक में भी पिछले काफी समय से जो है वो चर्चा चल रही थी कि ये येदियुरप्पा जो है अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, हालांकि उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह भी मोमोई को मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसके बाद अब गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आज गुजरात के नए मुख्यमंत्री चेहरे का जो है ऐलान हो जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है ये बात साफ हो जाएगी शाम तक। कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम तक साफ हो जाएगी। हालांकि कई दावेदार हैं, कई नाम जो हैं वो आगे चल रहे हैं, उनमें मनसुख मंडावी
सिंघरावियां हैं, नितिन पटेल, ये वो नाम है जो अभी दावेदार की रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन लगातार देखा जाए तो चुनाव काफी नजदीक है अब कई राज्यों में, और उसको देखते हुए बीजेपी ने 6 महीने के अंदर ये इतना बड़ा बदलाव कर दिया है कि 6 महीने के अंदर 3 राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों को बदल दिया है। अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए, उत्तराखंड में भी कुछ महीने के अंदर ही 3 मुख्यमंत्री चेहरे जो हैं वो देखे गए, और ऐसे में कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री जो है बदले गए। उसके बाद अब ये बारी गुजरात की है। हालांकि गुजरात का अब नया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है ये तस्वीर शाम तक साफ हो जाएगी। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद अश्विनी जी। देखिए, 6 महीने और 3 राज्य बीजेपी जो है वो अपने मुख्यमंत्री जो है बदलती नजर आ रही है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ये देखिए, पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में या किसी के परिवार में आंतरिक बदलाव तो होते रहते हैं जी। वहाँ पर हो सकता है हमारे माननीय रूपाणी जी को कुछ और बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देना चाहती हो, इस वजह से वहाँ पर हटाया गया। उत्तराखंड में एक हमको युवा चेहरा चाहिए था, युवा चेहरा जो है तीरथ जी भी थे लेकिन उनके युवा चेहरा है। तो ये सब चीजें आंतरिक लोकतंत्र का मामला है, ये केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है तो वो पार्टी के हित में लेता है, और वो किस लिए हटाया गया ये कोई बहुत विशेष मुद्दा नहीं है जी। बिल्कुल अश्विनी जी, लेकिन देखिए जिस तरह से उत्तराखंड की बात कर ली जाए, उत्तराखंड में कुछ महीने में ही 3 मुख्यमंत्री जो है वो बदले गए, ऐसे में 3 चेहरे नजर आ गए मुख्यमंत्री के। और अगर गुजरात की बात कर ली जाए, पहले ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया पार्टी में कि इतना बड़ा बदलाव करने की जरूरत पड़ गई? देखिए, ये सब चीजें मैंने पहले भी कहा कि पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज को हम मीडिया में और लोगों को बता कर करें जी। ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला हो सकता है कि कहां पर उनको हो सकता है। मैंने कहा कि रूपाणी जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी और देने की बात, हमारे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सफलतापूर्वक कितने दिन तक गुजरात जैसे स्टेट को चलाया है, और वहां पर हो सकता है कि हम कोई नया चेहरा ले आए और माननीय रूपाणी जी को दूसरे जगह दे, तो इसको हमको कहीं बताने की। लेकिन अश्विनी जी, लेकिन अक्सर चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों किया जाता है? क्या उस चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना है इसलिए पार्टी इतना बड़ा बदलाव करती है? अब अगर आपसे इस सवाल को हम चुनाव से जोड़कर देखें तो यहाँ तो चुनाव हर साल कहीं ना कहीं रहते हैं जी, चाहे वो क्योंकि अभी गुजरात में तो देखिए 2021 के 22 के लास्ट में चुनाव है, चुनाव तो अभी है नहीं, वहाँ तो लगभग 1.5 साल चुनाव है अभी, तो उसको उस चुनाव से जोड़कर देखना नहीं ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी है, 5 राज्यों का ये अलग चुनाव है, वहाँ का चुनाव तो दिसंबर के महीने में है जी। तो इसको चुनाव के नजरिए से न देखिए, और हिंदुस्तान में आप देखिए तो हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है, कहीं जो है पंचायतों के होते हैं, कहीं एमएलए के होते हैं, कहीं एमएलसी का होता है, कहीं एमपी का होता है, तो ये चुनाव तो चलते रहते हैं जी, इसमें कुछ नहीं, इसको चुनाव से जोड़कर देखना बेमानी होगा। आज जो है सिर्फ ये देखा जाए कि अगर नेतृत्व परिवर्तन वहां हो रहा है तो कौन नया आ रहा है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, और माननीय रूपाणी जी को कौन सी जगह दी जा रही है ये देखती है जी। बिल्कुल अश्विनी जी, देखिए लेकिन चुनाव की बात कर ली जाए, चुनाव जनता जो है किसी चेहरे पर देख के वोट करती है, लेकिन चुनाव से पहले अक्सर जो होता है कि वो चेहरा ही बदल दिया जाता है, ऐसा क्यों? अगर देखिए यूपी की बात कर ली जाए तो बीच में ये खबरें आ रही थी कि हो सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव यूपी में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ना बीजेपी लड़े, लेकिन वो खबरों को खारिज कर दिया गया था कि अब चुनाव जो है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। यानी कि जनता देखिए चेहरा कोई और समझती है, और अक्सर में ऐसा होता है कि पार्टी उस चेहरे को ही बदल देती है। देखिए सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी बड़ी नहीं होती, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है जी। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक बार देखिए कितना तगड़ा मीडिया ने भी कयास लगाया, हमारे विरोधियों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि इनके यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, क्योंकि उन विरोधियों को तो चाहिए हमारे यहाँ किसी दूसरे दल में, सत्ता पक्ष के दल में फूट पड़ रही, लेकिन वो कहीं नहीं मिला उसको, मीडिया को भी मसाला चाहिए वो भी नहीं मिला, कयास सब जगह के ध्वस्त हो गए, और माननीय कर्मियों की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अभी भी वही है। लेकिन बिल्कुल कहना चाहूंगा किससे बड़ी पार्टी होती है, और कभी भी जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है वो रहता है, लेकिन हमारे नेता माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा साहब, ये लोग चेहरे हैं,
योगी साहब कह रहे हैं, हर शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं, तो ये सब चेहरों की कमी नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ चेहरों की बहुत लंबी फेहरिस्त है। ये चिंता करे जो मुलायम सिंह यादव एंड संस की जो पार्टी है यादव महासभा, मायावती एंड प्राइवेट लिमिटेड जो है उनको वो चिंता करे, बाकी जो ये दल निकल के आ रहे हैं वो चिंता करे। हम यानी कि अश्वनी जी, अगर जनता मुख्यमंत्री से खुश नहीं है तो उसका चेहरा ही बदल दिया जाए, क्योंकि देखिए ऐसा अचानक से क्या हो जाता है कि उस मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाता और उसे बदल दिया जाता है। उत्तराखंड की बात कर ली जाए और कर्नाटक की बात कर ली जाए, गुजरात में भी यही हुआ, कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाता और इतना बड़ा बदलाव कर दिया जाता है। देखिए ये कैसे आप लोग कयास लगा लेते हैं कि मुख्यमंत्री से जनता खुश नहीं है और उसको बदल दिया गया, ये कयास है सिर्फ। मैं बार बार कह रहा हूँ ये कयास है और इन कयासों में कोई दम नहीं है। कोई जनता हमसे खुश और नाराज नहीं है, खुश है जनता, आशीर्वाद सबका हमको मिल रहा है। हमारा नारा ही है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और सबका प्रयास उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है, हम उसी को लेकर चल रहे हैं। कहीं की कोई नाराजगी नहीं है। अगर एक परिवार, लेकिन अश्वनी जी, अगर जनता की नाराजगी नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड में कुछ महीने के अंदर ही तीन मुख्यमंत्री के चेहरे देखने को मिल गए? कहां जनता की नाराजगी है, जरा पता। जनता की नाराजगी दिखती है 5 सालों में एक बार जी। जनता अगर खुश होती है तो हमको रखती है, नाखुश होती है तो हटाती है। लेकिन फिलहाल भारतवर्ष के सबसे ज्यादा राज्यों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, तो हमको जनता से नाराजगी का कोई वही नहीं है। जनता का तो आशीर्वाद मिल रहा है हमको, दिनों दिन हम बढ़ रहे हैं। अभी नियरेस्ट चुनाव हम देखेंगे, हम लोग हमको लोगों ने जो है पश्चिम बंगाल में 3 से 77 तक पहुंचा दिया जी। ये तो जनता का आशीर्वाद है। हम तीन की बिल्कुल अश्वनी जी, जनता यही चाहती है, जनता आशीर्वाद देती है, लेकिन उसके बाद ही चेहरा बदल दिया जाता है, यही मैं पूछना चाह रही थी। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी पिछले 6 महीने के अंदर 3 राज्यों में मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है वो बदल चुकी है, और ऐसे में अब गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, ये शाम तक तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। बीजेपी के 4 मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा जो है वो दे दिया पिछले 6 महीने के दौरान। तो गुजरात में जिस तरह से कल मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया, आज 3 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है, उसके बाद तस्वीर जो है शाम तक साफ हो सकती है कि गुजरात के मुख्यमंत्री अब नए कौन बनने वाले हैं। हालांकि विधायक दल की बैठक में इसका फैसला कर लिया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।